Very good evening, everyone. I welcome you all on the Sure 60 Gurukul platform. Now we're going to discuss the QIP number 702. Our first question is this. Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. तो sentence को देखो पहले, ठीक है? Sentence को error वाले जो question होता है, उसको जो sentence होता है, उसको हमें parts में तोड़ के read करना होता है, ताकि हम easily error को find out कर पाएं. Clear? ठीक है, वन गो में नहीं पढ़ना है, जल्दी. If you doesn't have a doctor, contact your public health authority. ऐसे पढ़ेंगे तो आपको इजीली एरर नहीं फाइंड कर पाओगे. ये वे अप्रोच है शुरुआत में, बाद में बेसिक से आप जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, आप कर सकते हैं. क्लियर? तो देखो, इफ यू डजंट, ठीक है, पता लग गया, यहीं पे पता लग गया. सब्जेक्ट है, फिर डजंट है, यहीं से पता लगे. तो ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना, इफ आया है कंडीशनल हो सकता है सेंटेंस, इमेजिनरी सेंटेंस हो सकता है, यू आया सब्जेक्ट आया है, फिर सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आई है, नहीं आई है, तो यहीं पर पता लग गया हमें. ठीक है, यू डजंट, यू की जगह क्या आएगा, डजंट की जगह क्या आएगा, डोंट. डज किसके आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है. क्लियर? तो हमारा एरर किस में लाई कर रहा है, इसमें. ऐसे तोड़ तोड़ के चलते जाओगे ना, हैव ए डॉक्टर, ए डॉक्टर ठीक है, कॉन्टैक्ट योर पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी, ऐसे तोड़ तोड़ के. ठीक है, ये अप्रोच है. और बैक ऑफ द माइंड क्या चलने चाहिए हमें, हमारे सारे रूल्स चलने चाहिए. क्लियर? गॉट इट? कोई डाउट? ठीक है, आपको अप्रोच भी पता लगती रहेगी. चलो नेक्स्ट. दे वर नॉट अलाउज टू टेक देयर डॉग इन टू द स्टोर में. अब देखो, बताओ इसमें एरर. ठीक है, हमें क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है इसमें. दे वर नॉट, दे के साथ वर नॉट ठीक आया, इसमें एरर यहीं पे आना है. वर नॉट है, ठीक है. इसको सेंटेंस को देखो कैसा है ये सेंटेंस, पैसिव है, तो वर नॉट है, इसके साथ क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो क्या आएगा यहाँ पे, अलाउड आ जाएगा. क्लियर? सेंटेंस हमारा पैसिव है, तो इसके साथ में हमारा क्या आ जाएगा, इसमें देख पता लग जाएगा, इसमें चेंज सब्जेक्ट, इसमें चेंज. ठीक है, आपने अगर पढ़ रखे हैं एक्टिव पैसिव, और इसको सेंटेंस को पढ़ के देखो इसमें क्या है. दे वर नॉट अलाउड टू टेक देयर डॉग इन टू द स्टोर, स्टोर के अंदर ले जाने नहीं दिया उनको. इसका एक्टिव बना लो, एक्टिव डायरेक्ट बनेगा, शॉर्ट फॉर्म में इसमें डायरेक्ट बनेगा. ठीक है, देयर डॉग क्या, हाँ वर्ब चेंज होगी, तो अलाउड की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, अलाउड आ जाएगा. ठीक है, पैसिव में आपको इस तरीके से सोचना भी, एक्टिव पैसिव आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है, आप ऐसे डेवलप हो जाएगी. क्लियर? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, अलाउड टू टेक, डी. क्लियर? समझ पाए भाई? कोई डाउट हो तो बता देना. ठीक, ऑल राइट, लिखते जाओ, पेन का यूज करो अपने, सारी चीजें नोट डाउन करते, कुछ जो चीज नोट डाउन करने की है कुछ हिंट में, और कल से नोटबुक लेके आना है. ठीक है, नोटबुक में बैठे, हाँ लेके आ दिले. ठीक है, सुनो, चले नेक्स्ट. इन द फ्लैश, ठीक है, इसका मीनिंग बताना है. इन द फ्लैश, फ्लैश क्या होता है, मास. ठीक है, इसे देखो एलिमिनेट हो जाएंगे, टू बी नियर द डेथ नहीं होगा, टू गेट अ टैटू, टू टॉक, तो क्या आएगा, इन बॉडीली फॉर्म में. ठीक, ये याद करने का तरीका है, बॉडली फ्लोस. इन द फ्लैश, किसी कोई भी चीज आप डिमांड कर रहे हो उनकी, इन द फ्लैश में चाहिए कोई भी चीजें आपको, यहां पर क्या जाएगा, इसमें इन द बॉडली फॉर्म. चले नेक्स्ट. द सेल्फ इज टू हाइएस्ट फॉर मी टू रीच. ठीक है, द सेल्फ, दया है, पढ़ना अच्छे से पढ़ो, दया है, तो सेल्फ क्या होगा, यहाँ पे कोई चीज स्लैब है, कुछ होगा. ठीक है, ट्वाई, जहाँ पे प्लेस कुछ चीजें रखती हैं, सेल्फ तो इज टू हाइएस्ट है, टू के साथ है, हमें क्या लेंगे, पहली वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं इसमें, मतलब कि हाँ पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, हाँ ठीक है, तो क्या आएगा, टू हाई. क्लियर? हाईएस्ट नहीं यूज करते, दोनों साथ में नहीं आएंगे ये चीजें, टू और हाईएस्ट. क्लियर? तो क्या आएगा, टू हाई, डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. कनेक्ट कर पाए भाई? इसी साथ हमें टू और इनकी चीज में हमें टू हाई और टू लेंदी ऐसी चीज है. ठीक है,
पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं हम इनके साथ में, क्लियर चले, क्योंकि वो पहले ही एडजेक्टिव है, मतलब वो क्या कर रहा है, उसको एम्फेसाइज कर रहा है, टू एडजेक्टिव, ठीक है, पहले ही एम्फेसाइज कर रहा है और उसके साथ में, क्लियर। सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे। चलो आ गया नेक्स्ट सेंटेंस, इसको पढ़ो भाई, रीअरेंज करना इनको। द शेप ऑफ एन एग हैज बीन हाईली रिगार्डेड फॉर इट्स इवोल्यूशन, ठीक है, उसके इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या होता है, कोई चीज शुरू से लेके लास्ट तक कैसे इवोल्व हुई है चीजें, ठीक है, हाँ, उसके लिए क्या है, हाईली रिगार्डेड जाना जाता है। द बॉडी इन द मोस्ट एफिशियंट वे, द बॉडी इन द मोस्ट एफिशियंट वे, जिसमें कि अच्छे इजीली तरीके से, नॉट ट्रोल अवे वंस लेड, जैसे एक बार ले दिया, लेड देखो यहाँ पे, लेड होता है, ठीक है ना, अंडे ले करना, ठीक है, एग्स ले क्या करते हैं, ले करते हैं ना, एग्स ले, इज स्ट्रक्चरली, वंस लेड इज स्ट्रक्चरली है एज लार्ज इनफ टू इनकम्बेट एन एम्ब्रियो, इनकम्बेट है किसी चीज के अंदर समा जाता है किसी अंदर, क्या है, सम्मिलित करना किसी चीज को, ठीक है, उसके अंदर कोई चीज रख लेना, हाँ, ठीक है, इनकम्बेट एन एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो पता होगा ना, पार्ट बायोलॉजी में पढ़ा होगा अपने, ठीक है, एम्ब्रियो एग के अंदर पार्ट है जिसमें लिविंग होता है, एम्ब्रियो उसको बोलते हैं जो लिविंग पार्ट होता है, ठीक है, हाँ, थोड़े दिन बाद हो जाके वो क्या है, बड़ा एक लिविंग बीन में क्या होता है, हो जाता है, ग्रो हो जाता है, ठीक है, हाँ, स्मॉल इनफ टू एग्जिस्ट, साउंड इनफ टू बियर वेट, बी द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, बी द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ फॉर सो मैनी स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज के लिए वो है। तो देखो भाई, कनेक्ट करने की कोशिश करो, कौन कौन से आ रहे हैं पता लग रहा है आपको, द शेप ऑफ एन एग हैज बीन हाईली रिगार्डेड फॉर रिवोल्यूशन, कि जो शेप है उसके लिए, और द शेप है यहाँ पे, शेप के बारे में बात कर रखी है सारी जगह, तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस लग रहा है, आ सकता है, ठीक है, पहले नंबर पे। ऊपर से देखो, ये देखो इसको बारे में, द बॉडी इन द मोस्ट एफिशियंट वे नॉट रोल अवे वंस लेड इज स्ट्रक्चरली है, ठीक है, इज स्ट्रक्चरली एज इन लार्ज इनफ आएगा या स्ट्रक्चरली साउंड इनफ आएगा, ये देखो इसमें दोनों के बाद कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई ना कोई, ये लास्ट में आ नहीं सकता है, ठीक है, लास्ट में इनफ टू एग्जिट एज लार्ज इनफ टू एग्जिट साउंड इनफ टू बियर द वेट एंड द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ फॉर सो मैनी स्पीसीज, ठीक है, क्या है, एज लार्ज इनफ टू बिगिनिंग ऑफ मैनी स्पीसीज एज लार्ज इनफ टू इनकम्बेट एन एम्ब्रियो स्मॉल इनफ टू एग्जिट, जो एग्जिट कर पाए, ठीक है, बाहर निकल पाए, क्या बोलो, तो इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद क्या आएगा, ये देखो ना, खुद सोचो, बताओ, आपसे करवा रहा हूँ पहले एक बार, फिर मैं बताऊँगा इसमें, पहले देखो इसमें, हाँ, पहले एक तो एलिमिनेट क्या है, इसमें एलिमिनेशन यूज करते हैं हम, फिर कनेक्शन यूज करते हैं, भाई दो को कनेक्ट कर पा रहे नहीं सेंटेंसेस को, फिर ये हम आइडिया लगाते हैं पहले पे कौन कौन सा आ सकता है, लास्ट में कौन कौन सा आ सकता है, एंड इससे एंड होगा नहीं हमारा सेंटेंस, ये पता है, क्यू से हमारा एंड नहीं होगा, ठीक है, क्यों, कोई है भी नहीं, ठीक है ना, कोई है भी नहीं, हाँ, ठीक है, और इससे भी नहीं होगा, पी से भी नहीं होगा, तो शेप रिगार्डेड फॉर इट्स इवोल्यूशन, पी से भी नहीं होगा हमारा, कोई पी से भी नहीं दे रखा है, देखो, ठीक है, पी से भी नहीं दे रखा है, दोनों से नहीं होगा हमारा, तो ये ऐसे इस तरीके से देखना है, और देखो बताओ, यहाँ पे देखो, द बॉडी इज बॉडी इन द मोस्ट एफिशियंट वे, पूरे अपने एफिशियंट वे, नॉट रोल अवे वंस लेड, कि वो है एक बार अंडा ले कर दिया ना, तो ऐसी इस तरीके से शेप की जाती है कि वो रोल ना कर पाए आगे, क्या होगा, डैमेज हो जाएगा ना अगर रोल कर गया तो, समझ गए ये बात करें क्या, तो इज स्ट्रक्चरली, जो स्ट्रक्चरली है क्या, एज लार्ज इनफ है या साउंड इनफ टू बियर द वेट, जिसको भी, तो स्ट्रक्चरली क्या है, साउंड इनफ टू बियर द वेट, स्ट्रक्चरली इस तरीके से बनाया स्ट्रक्चरली कि वो साउंड इनफ टू है, मतलब कि ऐसा अच्छे से बनाया गया है, टू बियर द वेट, क्या वेट को वो क्या कर ले, सहन कर ले, एंड बी द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, और बिगिनिंग ऑफ द लाइफ बन जाए फॉर मैनी स्पीसीज, उसके बारे में, स्पीसीज के बारे में, क्लियर। तो क्या आ गया, क्यू के बाद ऐसा आ गया, हमें एक चीज़ पता लगी, क्या 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 है, क्यू के बाद हमारा क्या आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है, और बताओ क्या एक ही में दे रखा है, क्या एक ही में दे रखा है, क्योंकि बाद ऐसा, यही आंसर। चलो फिर ये तो हमें एक कनेक्ट कर पाए हैं, और एक हमें पता लग गया कि पहला सेंटेंस वैसे पता लग गया, पहला सेंटेंस कौन सा है, तो इसमें देखो, बिगिनिंग ऑफ द लाइफ फॉर सो मैनी स्पीसीज, ठीक है, और पहला सेंटेंस कौन सा पता लग गया, यही, इससे तो स्टार्ट होगा नहीं, आर से स्टार्ट होगा नहीं, पी से स्टार्ट होना है, तो पी से स्टार्ट होना है, और क्यू के बाद ऐसा आना है, ठीक है, क्यू के बाद ऐसा आना है, क्या
तो इज स्ट्रक्चरली स्मॉल इनफ टू एग्जिट. हाँ, आर के बाद क्यों? हाँ, तो आर के बाद क्यों क्या है? देखो, एज ये रहा, देखो, रिगार्डेड फॉर इट्स इवोल्यूशन एज लार्ज इनफ टू इनकम्बेट एन एम्ब्रियो, स्मॉल इनफ टू एग्जिट. जो स्मॉल इतना इनफ है, देखो बड़ा इतना है कि वो उसके अंदर एम्ब्रियो को समा. हाँ, तो वैसे कनेक्ट हो गया इसमें. ठीक है, तो पी के बाद क्या आ गया? आर आ गया. तो पी आर क्यू एस, ऑप्शन नंबर डी. ये अप्रोच होती है, ऐसे कनेक्ट करने हैं. ठीक है, क्लियर? समझ पाए? नेक्स्ट, नेसेंस बताओ भाई, बताओ कोई चीज़. नेसेंट सुना होगा, नेसेंट. ठीक है, ये नेसेंस है, नेसेंट. हाँ, कोई चीज़ जो शुरुआत की होती है, बिल्कुल ही बिगिनिंग में, बिल्कुल ही बिगिनिंग में. तो क्या आएगा इसमें? देखो, तो क्या आएगा? इंसिपिएंस. ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इंसिपिएंस, जो शुरुआत करे, कोई बिगिनिंग किसी चीज़ की. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लो इनको. नेसेंस है, इंसिपिएंस बिगिनिंग, या विच इज नॉट फुली डेवलप्ड. इसका मतलब होता है बिगिनिंग या नॉट ओगेल. ओमेगा तो एक ग्रीक वो है भाई, सिंबल होता है ना, ओमेगा. केमिस्ट्री उसमें, साइंस में पढ़ा होगा. साइन है, साइन है उनके बारे में, सिंबल्स होते हैं उनके बारे में. ओमेगा, ओमेगा ये होता है, ओमेगा यही होता है ना, ओमेगा. हाँ, इसी को बोलते हैं सिंबल को. क्या ओम है? तो ओमेगा क्या होता है सिंबल? क्या? हाँ, डब्लू. अच्छा, ये तो डेल्टा हो गया. ठीक, हाँ हाँ हाँ, ये हाँ ओमेगा, ये हाँ ओमेगा, ये होता है डब्लू टाइप का. ठीक है, ओमेगा बोल के ग्रीक मेडिसिन को बोलते हैं. एक्रीमोनियस होता है बिटर. ठीक है, बिटर रिलेशंस, या जो वहाँ पे क्या हो, दुश्मनी. एक्रीमोनियस बिटर, जैसे रिलेशंस खराब हो गए. ठीक है, एक्रीमोनियस दुश्मनी, एंग्री. ठीक है ना, एंग्री उसको बोलते हैं, एंग्री या बिटर. ठीक है, क्लियर? हाँ, सेसेंस हो, किसी चीज़ को रोकना. ठीक है, स्टॉप, हिंड्रेंस, किसी चीज़ को रोकना. ठीक है, टू स्टॉप समवन, टू स्टॉप सेसेशन, या रुका हुआ चीज बोल दो. ठीक है, सेसेशन कोई चीज जो है क्या रुकी हुई है, सेसेशन. सीज, सीज सुना होगा. हाँ, सीज, उसी से बना है सेसेशन. ठीक है, सीज रोकना, इंपॉर्टेंट है चारों वर्ड. क्लियर? चले नेक्स्ट. ठीक है, ए रिलीजियस वॉर, उसको क्या बोलते हैं बताओ? ये तो पढ़ रखा है. क्या है? क्रूसेड. ठीक है, कॉलोनियज्म पता है आपको? कॉलोनियज्म किसी चीज़ को बनाना, कॉलोनीज. ठीक है, अपने अंदर में किसी उनको गुलाम करना, बनाना, वहाँ पे जाके बस जाना उनको, फिर अपने रूल्स हिसाब से चलाना, कॉलोनियज्म. हाँ, कॉलोनी डेवलप करना. ठीक है, कोलिक्यूल क्या होता है? कोलिक्यूल क्या? अच्छा, ना ना, कोई जनरल भाषा में बोलते हैं, नॉर्मल नॉर्मल भाषा में कुछ चीज़ को बोलते हैं. यूज इन स्पोकन कन्वर्सेशन, नॉट इन फॉर्मल सिचुएशन. ठीक है, कोलिकल है बल्कि जो जनरल डेली वैसी भाषा में कुछ बोलना. ठीक है, यूज इन नॉर्मल लैंग्वेज. ठीक है, नॉट इन फॉर्मल, कोई चीज़ फॉर्मल में ना हो, नॉट इन, हाँ इन फॉर्मल. ठीक है, या यूज इन नॉर्मल लैंग्वेज. ठीक है, लैंग्वेज, अरे सिंपल अपनी भाषा में कुछ कुछ किसी चीज़ को बोलना, कोई चीज़ फॉर्मल वे में नहीं कहना, स्लैंग टाइप में बोलते हैं ना उसको, कोलिकल. ठीक है, सिंपल भाषा में बोलना, उस चीज़ को बोलते हैं कोलिकल. ठीक है ना, कोई चीज़ रेगुलरली बोले तो समझ पाए इस चीज़ को, कोलिकल. स्लैंग तो पता होगा, हाँ स्लैंग जैसी, उसी से बोलो, किसी चीज़ को फॉर्मल वे में ना कहना. ठीक है, इनफॉर्मल वे में, जनरल भाषा में, जैसे आप आम लोग बोलते हैं उसके. क्लियर? हाँ, इंस्क्रिप्शन पता है, कोई चीज़ गड़ी हुई चीज़ें, इंस्क्रिप्शन. ठीक है ना, रिटर्न इन द, किसी स्टोन के ऊपर जो चीज़ें लिखी गई होती हैं उनको बोलते हैं क्या? एपिक्स में, हाँ इंस्क्रिप्शन वही होते हैं, इंस्क्रिप्शन. एपिक्स में क्या लिखे होते हैं? एपिक्स को तो दूसरी जो पुरानी कथाएं होगी इनको, लेकिन कोई चीज़ इंस्क्रिप्शन है भाई, दीवार के ऊपर गाड़ के लिख दिया है. इंस्क्रिप्शन जो फाउंडेशन स्टोन होता है उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन होता है, फाउंडेशन स्टोन लिखा होता है उसमें, पत्थर के ऊपर खोद के लिखा जाता है ना. ठीक है, उसको बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, नार्क. सेम इन्होंने बताना है ना, सेम बताओ क्या होगा? क्या
इरिटेट होता है नर्क का, हाँ मतलब इरिटेट। सोलेस तो किसी चीज को क्या है, इसका अपोजिट हो जाएगा, किसी चीज को शांत होना देना, ठीक है। और बाकी का पता है ओब्लिगेशन क्या है, किसी चीज का क्या है ओब्लिगेशन, कोई तुम्हारे ऊपर ओब्लिगेशन है जरूरी, ठीक है, दबाव है, ठीक, कंपल्सन है, रीअश्योर का पता ही है। ए डिसकॉन्सोलेट अर्जुन, जिसको क्या है डिसकॉन्सोलेट, शांत ना किया जाए, शांत, ठीक है, हाँ ठीक है। डिसकॉन्सोलेट अर्जुन डैश हिज वे बैक डाउन द माउंटेन, ठीक है, तो बताओ इसमें क्या आएगा। डेजर्ट्स, डेजर्ट्स के क्या है, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, छोड़ना होता है किसी चीज को, अकेला छोड़ दिया। और बताओ क्या क्या है, क्या है अब्सकॉन्ड क्या होता है, हाँ बिना बताए किसी चीज को भाग जाना वहां से, ठीक है, चले जाना बिना बताए। इलोप्स क्या है, रिलेशन, हाँ ये सही बोल रहे हैं, बिना बताए क्या है, कब उनका भागना, इलोप उसको बोलते हैं, ठीक है। टू रन अवे सीक्रेटली, इलोप होता है टू रन अवे सीक्रेटली, सीक्रेटली टू गेट मैरिड, टू गेट मैरिड, क्लियर, मैरिज के लिए उसको बोलते हैं इलोप, कपल्स को भागते हैं उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसमें, ए डिसकॉन्सोलेट अर्जुन हिज मेक्स, हिज क्या आएगा, मेक्स आएगा, मेक्स हिज वे बैक, अपना रास्ता बनाता है बैक, वे बैक डाउन द माउंटेन, माउंटेन के उस तरफ से, ठीक है, समझ पाए इसको। तो और कोई सा इसमें नहीं आएगा, भागा नहीं है अपने, उसने अपना रास्ता बनाया, चूज किया, ठीक है, क्लियर। चारों मीनिंग पता लग गए, चारों मीनिंग पता लग गए किसके, हाँ। बाकी मेक वे एक वो होती है ना फ्रेज, इसका मतलब होता है किसी चीज की हेल्प का, एड या हेल्प, ठीक है, क्या है इसका मीनिंग, क्या होता है किसी चीज की मदद करना या हेल्प करना, क्लियर। चले यहाँ पे उसने खुद किया, मेक सीज वे, अपनी रास्ता खुद बनाया उसने, ठीक है, हेल्प की खुद की, चले याद रखना मेक वे तो एड या हेल्प किसी चीज। आई बिलीव दैट वी आर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर चॉइसिस, बताओ, हाँ तो क्या आएगा, वी आर अपने बारे में बात करें तो सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर, हमारे बारे में बात करें हमारी चॉइसिस के बारे में, तो वी आर सोलली, हम खुद ही हैं, ठीक है। और पता है ऑर्डिनरीली ड्यूरेबली कोई चीज क्या है, लंबे समय तक चले, प्रोफ्यूजली भरपूर मात्रा में, क्लियर, सब करेक्ट है। रेमेडी सिनोनिम बताना इसका, ठीक है, क्या आएगा, हाँ पेनेसिया, ठीक है, क्लियर। और बताओ बाकी भी वर्ड बहुत अच्छे हैं, टैबलेट पता ही है आपको क्या होता है, हाँ टैबलेट दो चीज़ें हैं आप, एक तो वाला टैबलेट होता है अपना एक टैबलेट है जो मेडिसिन को भी बोलते हैं टैबलेट, हाँ। प्लेगरिज्म क्या होता है, किसी चीज़ को कॉपी करना, चुराड़ी करना, चोरी करना, ठीक है। और पैरोचुअल क्या होगा, नैरो माइंडेड या ओनली कंसर्न्ड विद स्मॉल, ओनली कंसर्न्ड विद स्मॉल इशूज, विद स्मॉल इशूज, या वो अपने लोकल एरियाज है ना उनसे रिलेटेड, नॉट इम्पोर्टेंट, जो चीज जो नॉट इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है, जो महत्वपूर्ण नहीं है उन महत्व उन इशूज से रिलेटेड, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट, क्लियर, उनसे रिलेटेड उसके बारे में बोलते हैं, समझ पाए, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, सी हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट, द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कैन हेल्प साइंटिस्ट एनालाइज द शेप्स एंड द बिहेवियर्स ऑफ इवेंट होराइजन्स, एरर बताओ इसमें क्यों, क्यों है, रीजन बताओ ना। देखो द इवेंट ओरिजिन टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप एक चीज है, ठीक है ना, द एसी के लिए आया है, ठीक है, नाउन, कैन हेल्प है, अगर कैन नहीं होता तो हेल्प्स आ जाता, मोडल के बाद क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। साइंटिस्ट एनालाइज द शेप्स एंड बिहेवियर्स,
पैरेललिज्म एंड है, दोनों के साथ में क्या है, सेम फॉर्म आ रही है, यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल, ठीक है, ऑफ इवेंट हॉरिजन्स, इवेंट हॉरिजन्स के, नहीं पता लगा, एरर दिखाई नहीं तो क्या लगाना है, नो एरर ही लगाना है, ठीक है, कहीं एरर मिला ही तो नो एरर ही लगाना फिर, ठीक है, तोड़ तोड़ के पढ़ के देख लिया, कहीं पर एरर मिला नहीं, बाकी शायद आपके उसमें ऑप्शन डी दे रखा होगा, ऑप्शन डी दे रखा होगा, गलत है, करेक्ट कर लें आंसर की में, ठीक है, क्या ठीक है, चले नेक्स्ट, जरूरी नहीं है एरर फाइंड आउट करना जबरदस्ती, एरर जब एरर हो ही ना, और आजकल आने लगे नो एरर के दोबारा, पहले एरर देता ही था, ठीक है, अब आने लगे हैं नो एरर के भी, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, किसी चीज़ का जबरदस्ती एरर नहीं, गलतियाँ नहीं फाइंड, हमारी आदत होती है बाकी किसी में गलतियाँ निकालने की, और किसी में अपनी गलती कोई नहीं देखता, ठीक है, इसमें हमारी गलती थी, अगर मान लिया हमारा गलत है तो क्या, हमें आता नहीं अच्छे से हमारी अप्रोच, ठीक है, दूसरे में गलतियाँ निकाल रहे हो बेवजह, चलो नेक्स्ट, हाँ, द प्लेस वॉज इन टर्मोइल, टर्मोइल क्या है, अस्त क्या है, हाँ शोरगुल, ठीक है, हंगामे में, बिकॉज शिखंडी हैड रिटर्न, हैड है और रिटर्न फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा, हैड रिटर्न, वो वापिस आ गया था, हाँ ठीक है ना, ऊपर से वोज है पास्ट, और उसके बाद पास्ट है, ठीक है, ये पास्ट है और इसका भी पास्ट चल रहा है, उससे भी पहले एक्शन हुआ है ना, पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट है, गॉट इट, तो पास्ट इन क्या हो जाएगा, परफेक्ट यूज हो जाएगा, थोड़ी ही हमें क्या है अप्रोच इस तरीके से रखनी है, समझे, अप्रोच इस तरीके से रखनी, पास्ट ऑफ पास्ट, माइंड को ओपन अप करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तब हो जाएगी, क्लियर, हैव पीपल रोलिंग इन एसलीज, ठीक है, ईडीएम में इसका मतलब, इसका मतलब क्या होता है, जो हाँ दो उनके बीच का जो रास्ता होता है ना, बिटवीन टू, हाँ टू साइड्स के बीच में जो रास्ता होता है एसलीज, एरोप्लेन में होता है जो बीच का रास्ता, उसको हम एसलीज बोलते हैं, क्लियर, याद रखना, ठीक है, द पैसेज बिटवीन टू टू थिंग्स, पैसेज पासेज, पासेज बिटवीन, हाँ टू साइड्स, ठीक उसको बोलते हैं एसलीज, बताओ इसका मतलब क्या होगा, हैव पीपल रोलिंग इन द एसलीज, टू यूज फॉल्स प्रोमिसज टू पुल पीपल वन साइड, टू हैव ए डिस्प्यूट विद समवन, मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली, विलिंग टू डू समथिंग इमिडिएटली, अब देखो भाई, जब प्लेन में मूवी में देखा हो आपने, ठीक है, कोई ऐसा सीन आता है, फनी सीन आता है, तो क्या होता है, प्लेन है बीच में, ऐसे होता है जब वो लोट पोट हंसी मजाक का सीन आता है, क्या होता है, वो सारे लोग आस पास के क्या है, बीच में गिरते हैं सारे, हाँ तो क्या आएगा, ठीक है, आस पास के, तो क्या आएगा, सी, याद करने का, देखा हुआ फिल्म से कनेक्ट करके देखो, बीच में गिरते हैं ना, जब कोई वैसे हंसी मजाक का सीन हो तो किसी फनी मूवी में देखना, ठीक है, कॉमेडी मूवी में देखा होगा ना, मजाक मजाक में मार रहे होंगे, पीट रहे होंगे, लड़ाई हो रही, तो सभी क्या बीच में आगे गिर रहे होंगे सारे, उसी से याद कर लो, ठीक है, कनेक्ट कर पाए, अमालगामेट बताओ, ये बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा आपने इकोनॉमिक्स में भी, हाँ दो छोटे छोटे जो स्मॉल बिजनेस ग्रुप हैं वो एक साथ एक जगह पे आके मिल जाएं, उसको बोलते हैं, ठीक है, हाँ तो इसका क्या बताना हमें, अपोजिट बताना, तो क्या आएगा, हाँ डिसमेंटल, क्लियर, कंबाइन पता है, इंटीग्रेट पता है, ठीक है, किसी चीज़ को इंटीग्रेट, कंबाइन और दोनों सिनोनियम है, कोलेस, ये तीनों सिनोनियम है, तीनों इसके सिनोनियम है, समझ पाए, ठीक है, अमलगामेट क्या होता है, जो छोटे छोटे हैं ना वो एक साथ आके एक लार्ज ग्रुप बना दे, ठीक है, बिजनेस, उनको बोलते हैं, चले भाई, चले नेक्स्ट, ही सेड आई विल गो टू इंडोनेशिया टुमारो, क्या बताना इसका, इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है, दो में वे हैं, या तो इसी का डायरेक्ट बना लो, ठीक है, या एलिमिनेशन लगा दो, ही सेड है रिपोर्टेड स्पीच वर्ब किस में, पास्ट में, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा, ठीक है, तो ही सेड दैट ही वुड गो टू इंडोनेशिया, ही सेड दैट ही वुड तो सभी जगह सेम है, ठीक है, ही सेड दैट, यहाँ पे दैट नहीं है, ठीक है, दैट तीनों में ये एलिमिनेट हो गया, ही सेड दैट ही वुड गो टू इंडोनेशिया, टुमोरो है, टुमोरो का तो भाई नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे इसमें है, नेक्स्ट डे इसमें है, ये दो बच गए, ही वुड बी गोइंग है या ही वुड गो टू है, देखो ही विल है ना, तो ये तो आएगा नहीं गोइंग, तो सिर्फ क्या आएगा, बी, एलिमिनेशन से जल्दी हो जाता है, समझ पाए, स्पेलिंग बतानी, नो स्पेलिंग एरर किस में बताओ,
द कर्सर मस्ट बी प्लेस्ड एट द स्टार्ट ऑफ द लाइन, पहला ही में कोई एरर नहीं है, और किसी में एरर मिलेगा? देखो इसमें कर्सर गलत है, मस्ट बी प्लेस्ड गलत है, इसमें कर्सर प्लेस्ड गलत है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसे बताओ। ब्लेड ठीक है, डिनर ठीक है, मेंटर ठीक है, ठीक है, ट्रंक होता है, ट्रंक, हाँ क्या है? ट्रंक क्या होता है? बक्से को भी बोलते थे, और वो ट्रंक किसको क्या बोलते हैं? तना, तना, ट्री का, ये ट्री है, अच्छा बनाया होगा, ऐसे बनता होगा ट्री, भूल गए क्या? ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं ट्रंक, ठीक है, उसके तने को, हाँ ठीक है, और अच्छा बनता था, चलो अभी तो नहीं बन पा रहे, ठीक है, चले। सी टोल्ड मी टू वेट हेयर, बोला होगा आपको किसी ने भाई ऐसा कभी? बताओ, नहीं बोला किसी ने? नहीं है, मिला गया सुबह का किसी ने? वेट नहीं किया गया, ठीक है भाई, वेट करना भी मत भाई, ठीक है, इतना बिजी बनाओ अपने आप को कि किसी का वेट ना करना पड़े, कोई तुम्हारा वेट करे, चलो ठीक है। सी टोल्ड मी टू वेट हेयर, टोल्ड मी है टू वेट, बताओ पास्ट इंडेफिनेट, तो पास्ट उसमें ही रहेगा, ठीक है, तो क्या आएगा? टोल्ड मी है तो आई वाज, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो मी है, मी का आई हो जाएगा, आई वाज टोल्ड, ठीक है, आई एम टोल्ड ये नहीं होगा, आई वाज टोल्ड, तीन तो बच गए, आई वाज टोल्ड टू वेटेड, तो टू के साथ वेटेड फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। टू वेट हेयर बाय हर देर, बताओ हेयर का देर नहीं होगा, तो हेयर का क्या रहेगा? हेयर ही रहेगा, क्या इसमें पैसिव में चेंज नहीं होता है? पैसिव में दो चीज चेंज, दे चेंज, हाँ पैसिव में दो चीज चेंज होती है, याद रखना, टेंस चेंज होगा और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? डी, ठीक है, चले। ए स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, जिसको हम क्या बुला सकते हैं, क्या होगा इसको बोलते हैं? वेनियल, ठीक है, कोई स्मॉल मिस, छोटी मिस्टेक, ठीक है, उसको बोलते हैं। रेफरल क्या होता है? किसी चीज को हम रिकंसिडरेशन के लिए किसी दूसरे पर्सन को आगे भेजते हैं, उसको रेफरल बोलते हैं, क्रिकेट में सुना होगा, ठीक है, किसी चीज़ को दूसरे दोबारा रिव्यू करने के लिए, चेक करने के, रीचेक करने के लिए किसी अथॉरिटी को, हाँ गेम में, गेम के अंदर भी होता है, क्रिकेट के अंदर रेफरल, ठीक है। लिबल बताओ और लिबर्टाइन बताओ, लिबर्टाइन क्या होता है? दो, एज ए नाउन तो क्या हो गया? एज ए नाउन तो ये क्या बोला जाएगा? वुमनाइजर या फिलेंडर, ठीक है, हाँ फिलेंडर या वुमेनाइजर, ठीक है, इश्कबाज, ठीक, हाँ ठीक है। अरे एज एन एडजेक्टिव क्या होगा? लेसेंटियस या लस्टफुल, हाँ ठीक है, एडजेक्टिव एज ए लस्टफुल होगा या लेसेंटियस हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ये होंगे इसके डाउट, लस्टफुल या लेसेंटियस एज ए एडजेक्टिव। लेबल क्या होगा? लेबल देखो, लेबल अच्छा है, चले, हाँ लेबल दो होंगे, लेबल बताते हैं भाई, दो चीजें हैं लेबल का, दो बारे में बताते हैं, ठीक है, बताएं लेबल। लेबल होता है किसी के बारे में बुरा बुरा कहना, ठीक है, एक चीज होता है लेबल, याद रखना, एक होता है सिलेंडर, ठीक है। इन रिटर्न किसी को बुरा 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 भला कहना, भला तो क्या कहेंगे, बुरा ही कहते हैं, ठीक है, किसी के बारे में बुरा कहना इन रिटर्न फॉर्म, तो क्या बोला जाएगा? लिबल, क्या बोला जाएगा? लिबल। और किसी को ओरली मुंह से बोलना, ठीक है, हाँ ओरली किसी चीज को कहना, उसको क्या बोल देंगे? सिलेंडर। बहुत यूज होते हैं दोनों चीज़ें, डेली लाइफ में भी, अपने नॉर्मल स्पीक लैंग्वेज में भी, और किस में भी, वो कैब में भी आता है ऐसा, और न्यूज़पेपर में या कुछ भी, सिलेंडर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में। रिटन फॉर्म में गंदा कहना, बुरे कहना, तो क्या आएगा? लिबल, गाली गलौज करना कुछ, हाँ ओरली बोला तो सिलेंडर्स, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है? सिलेंडर चल रहा है, ठीक है, सिलेंडर्स, एक्सचेंज द सिलेंडर्स, बुरा बोला एक दूसरे को कहा, ठीक है। और रिटन फॉर्म में लिख दे तो क्या बोलेंगे इसको? लेबल।
याद रखना, बोलना मत, इंपॉर्टेंट अच्छी वो कैब है, ठीक है। अब आ गया हमारा क्लोज टेस्ट, इजी है, ठीक है, पढ़ें इसको। टुडे आई हैव ए कॉलेज एडमिशन इंटरव्यू, ठीक है, आई हैव मेरा है बता रहे हैं यहाँ पे, इंटरव्यू विद ए याले आलम, ठीक है, एक कॉलेज है, इंटरव्यू विद है यहाँ पे देखना, ठीक है, विद ये ध्यान रखना इसके ऊपर, इंटरव्यू विद होता है किसी के साथ, ठीक है, कॉलेज के साथ है इसका, कॉलेज है किसमें, याले आलम, याले इज द सेकेंड बेस्ट स्कूल, कॉलेज या स्कूल है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, स्कूल, याले इज द सेकेंड बेस्ट स्कूल, बट फॉर वंस, पर एक एक समय के लिए, आई पुट माई फुट डाउन, पुट माई फुट डाउन, बताओ भाई क्या आएगा इसका मतलब, क्या पुट माई फुट डाउन, बताओ मीनिंग, बताओ यूज पुट योर फुट डाउन, ठीक है, इस ये idiom है, इसका मतलब बताओ, अपनी अथॉरिटी का यूज करना, ठीक है, यूज देयर अथॉरिटी इन ऑर्डर टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग, ठीक है, किसी चीज को रोकने से, ठीक है, यूज योर अथॉरिटी इन ऑर्डर टू स्टॉप समथिंग के लिए है ये हैपनिंग, ठीक है, किसी चीज को होने से रोकना, ठीक है, ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये, पुट योर फुट डाउन, ठीक है, यूज योर अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर का यूज करना, किसी चीज को क्या है, होने से रोकना, ठीक है, क्लियर, चले, ठीक है, आई पुट माई फुट डाउन एंड डैश टू अप्लाई टू द बेस्ट स्कूल, ठीक है, डैश टू अप्लाई टू द बेस्ट स्कूल हार्वर्ड, ठीक है, बेस्ट स्कूल ये, इसके बारे में बात कर रहा है। द आइडिया ऑफ डैश चार्लीज यंगर ब्रदर एट अनदर स्कूल, तो आइडिया है चार्ली का जो यंगर ब्रदर है एट अनदर स्कूल इज ए ब्रिज एंटायरली टू फार, ब्रिज एंटायरली टू फार, अगेन idiom आ गई भाई, बताओ इसका मतलब क्या होगा, ब्रिज एंटायरली टू फार, ब्रिज टू फार होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, समथिंग वेरी डिफिकल्ट, समथिंग एस टी है, समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, ठीक है, डिफिकल्ट टू अचीव, क्लियर, ब्रिज टू फार है मतलब बहुत कोई चीज बहुत ज्यादा दूर है, वहां पर वहां तक हम जा नहीं सकते, तो मतलब उसको अचीव नहीं कर सकते ऐसे याद करने के लिए, ठीक है, और या बोल दे कि कोई भी एक ऐसा स्टेप, कोई भी एक ऐसा स्टेप दैट इज टू ड्रास्टिक, एकदम से जो हम ले नहीं सकते, टू ड्रास्टिक टू टेक, ठीक है, किसी चीज को हम एकदम से ले नहीं सकते, कोई ऐसा स्टेप जिसको एकदम से जल्दबाजी से हम ले नहीं सकते, टाइम लगेगा उसको, तो ये दोनों मीनिंग है इसके, याद रखना, ठीक है, एक ऐसा स्टेप, ऐसा कोई, ठीक है, खाना मिलेगा भाई, ठीक है, कहीं नहीं जाएगा, खाना मिल जाएगा आपको, शहरी का वेट करो, लेट तक मिलता है खाना, ठीक है, हाँ खाना मिल जाएगा, पनीर है आज बाकी है, या मिक्स वेज चल जाएगी, हाँ चलो ये देखो, इंपॉर्टेंट अच्छे चल रही क्लास, ठीक है, बिसाइड्स इसके अलावा, ध्यान रखना है, बिसाइड्स उसके अलावा, ठीक है, एक बिसाइड होता है उसके साथ में, बिसाइड्स द डैश नोज इफ हार्डवर्ड वुड इवन टेक मी नाउ दैट चार्ली इज बीइंग सस्पेंडेड, तो चार्ली को सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, इसमें देखना, माई मोम है ये, मोम एंड डैड, मोम जो भी आएगा, मोम एंड है, ठीक है, यहाँ पे माई मोम एंड डैश आर इन द किचन में बिकॉज ऑफ माई इंटरव्यू सी इज स्टीमिंग फ्रोजन मांडू, डम्पलिंग्स है इनको, क्या क्या करी है, स्टीम कर रही है, फॉर मी एज ए ट्रीट, एक ट्रीट की तरह, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू देने जा रहा है, ठीक है, आई एम हैविंग ए प्री मांडू एपेटाइजर, मतलब कि खाने से पहले एपेटाइजर क्या है, एपेटाइजर्स कहीं पे जाते हो आप, एपेटाइजर भूख लगने की चीज खाते हो, एपेटाइजर, हाँ एपेटाइट भूख होती है, एपेटाइजर आप थोड़ी सोफिस्टिकेटेड हो जाओ, कहीं पे अच्छे होटल में जाते हो तो सबसे पहले आपके पास ऑर्डर, हाँ हाँ एपेटाइजर में आप कहीं पे सोफिस्टिकेटेड हो जाओ भाई, आप कहीं पे 5 स्टार में जा रहे हो तो सबसे पहले वेटर आएगा, सर एपेटाइजर में क्या लोगे, सैलेड लेते हैं, कुछ ऐसी अच्छी चीज़ लेते हैं ताकि उससे भूख आपकी ज़्यादा क्रिएट हो जाए,
ऐसा कुछ शुरुआत में, जब तक आपका ऑर्डर, आप ऑर्डर दिया, ऑर्डर होने में टाइम लगता है कई बार, तो उससे पहले कुछ जो चीज़ जल्दी आ जाए, जल्दी आपको मिल जाए, ठीक है, हाँ जो पहले से तैयार हो तो उस चीज़ में, ठीक है, उसको बोलते हैं एपेटाइजर, ठीक है, समझ गए, जाया करो भाई होटल्स में फाइव स्टार्स, ठीक है, ऑफ कैप्स क्रंच, इसके बारे में बात करें, ठीक, कैप्स एंड क्रंच, द बेस्ट सीरियल, सीरियल है नॉन फॉर मैन, नॉन टू मैनकाइंड, ठीक है ना, नॉन टू, इस पे भी ध्यान देना, ठीक है ना, किसी को, किसको, मैनकाइंड को, नॉन टू, नॉन फॉर होता है किसी के लिए जाना जाता है, नॉन टू किसी से, किसी के द्वारा जाना जाता है, ठीक है, एंड इन माई मोलेस्किन नोटबुक, ठीक है, करें अटेम्प्ट, ठीक है, टुडे आई हैव ए कॉलेज एडमिशन इंटरव्यू विद याले हिलम, याले इज द सेकेंड बेस्ट स्कूल, बट फॉर वंस आई पुट माई डाउन, पुट माई फुट डाउन, एंड एक बार मैंने सोच क्या किया कि अपनी अथॉरिटी का यूज करने की किसी चीज को, ठीक है, यूज करने की, एंड डैश टू अप्लाई द बेस्ट स्कूल, एंड पुट माई किम डैश रिफ्यूज लेवल्ड डेवेल्ड और रिजोइस्ड, रिजोइस्ड है कोई चीज़ का क्या है, इंजॉय करना या सेलिब्रेट करना, तो क्या आएगा, तो मैंने अपनी अथॉरिटी यूज की, ठीक है, एंड रिफ्यूज्ड कि मैंने रिफ्यूज टू, हाँ अप्लाई करना, अप्लाई करने से रोक दिया, क्लियर, तो यहाँ पे इससे कनेक्ट हो गया, इससे अगर आपको इसका मीनिंग पता था तो डायरेक्टली आप अप्लाई करते, ठीक है, इसलिए idiom phrases ये चीज़ वो क्या होगा, तो इजिली कनेक्ट कर पाए ना डायरेक्टली। अब नेक्स्ट देखो, द आइडिया ऑफ डैश चार्लीज यंग ब्रदर एट बी, ठीक है, द आइडिया ऑफ, कोई ऐसा है किसका आइडिया, ऑफ चार्लीज यंग, चार्लीज यंगर ब्रदर एट अनदर स्कूल, ठीक है, चार्ली का जो दूसरा भाई है जो स्कूल में, इज ब्रिज एंटायरली टू फार, कि ये क्या है, हाँ दूर है, ठीक है, तो क्या आएगा, हैविंग बीन, कोई पास्ट में कोई चीज़ पहले रही होगी, बीइंग है, बीन है, बी है, तो क्या आएगा, हाँ तो क्या आएगा, बीइंग उसका भाई होना, ठीक है ना, तो आइडिया ऑफ बीइंग कि उसको आइडिया आया कि वो उसका, वो उसका भाई है, किसका, चार्लीज का यंगर ब्रदर का, ठीक है, उसको ऐसा आइडिया कि बीइंग चार्लीज यंगर ब्रदर एट, कि उसके भाई का जो चार्ली यंगर ब्रदर है दूसरे स्कूल में है, दूसरे स्कूल में है, उसको ये आइडिया है कि हाँ उसका जो यंगर ब्रदर है दूसरे स्कूल में, बीइंग उसके लिए आया, बीइंग उसके होना, वहाँ पे होना, ठीक है, तो इज ब्रिज एंटायरली टू फार, कि ऐसा एक स्टेप है जो इजिली ले नहीं सकता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा बीइंग आ जाएगा, कलेक्ट, ठीक है, कर पाए कनेक्ट अब इजिली, हाँ, ठीक है, बिसाइड्स डैश नोज इफ, बिसाइड्स डैश विच हु हुज और होम, तो क्या आएगा, हाँ तो क्या आएगा, बिसाइड्स हु नोज, ठीक है ना, हुम नोज नहीं, हुम तो किसी उसके लिए है ऑब्जेक्टिव केस में, हाँ तो क्या आएगा सब्जेक्टिव केस में, हु नोज कौन जानता है, तो यहाँ पे हु आ जाएगा, क्लियर, हु नोज इफ हार्वर्ड वुड इवन टेक मी नाउ दैट चार्ली इज बीन सस्पेंडेड, कि हार्डली मेरे को क्या हार्वर्ड वो लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि उसका जो ब्रदर है जो क्या है, तो चार्ली है वो सस्पेंड कर दिया गया पहले, उस बेस पे मेरे को लेगा नहीं होगा मिनट्रू में, ठीक है, समझ गए, शायद ना भी ले पाए कि वो अनडिसिप्लिन में एक्ट में बाहर किया होगा उसको, तब लेगा, ठीक है, ये चीज़ें सोच रहा है वो अप्लाई करने से पहले, इंटरव्यू देने से पहले, ठीक है, माई मोम एंड डैश आर इन द किचन, तो हाँ मी माई सेल्फ और क्या, तो आई आएगा, ठीक है, वो किचन में, ठीक है, हाँ सब्जेक्टिव केस, बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इज स्टीमिंग मांडोज एंड फॉर मी एज ए ट्रीट आई एम हैविंग ए प्री मांडो एपेटाइजर ऑफ कैप्स क्रंच द बेस्ट सीरियल नॉन टू मैनकाइंड एंड, ठीक है, डैश इन माई मोम मोलस्किन नोटबुक, क्या कर रहा हूँ, राइटिंग रीडिंग विजुअलाइजिंग सीविंग, सीविंग किसी को सिलना, रीडिंग पता है, तो इन है प्रीपोजिशन किसी के अंदर इन, तो रीडिंग तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो क्या आएगा विजुअलाइजिंग इन भी नहीं होगा, विजुअलाइजिंग फोर हो या विजुअलाइजिंग एट होता है, तो क्या आएगा राइटिंग आ जाएगा, ठीक है ना, इससे कनेक्ट कर पाए ना इन प्रीपोजिशन से, ठीक, गॉट इट, सिंपल थी ना, और कोई करवाता था तो सिंपल ही लगती है, हाँ और कोई करवाता सिंपल ही लगती है, नहीं आपको भी लग नहीं जाएगी, आप थोड़े दिन क्लास में बैठो, ठीक है, थोड़े दिन रेगुलरली देखो, एनालिसिस अच्छे से किया करो और रीडिंग किया करो, रीडिंग इस वे इस तरीके से करनी जैसे मैंने करवाया, एक वे है और अच्छे से करवा बता सकता था डिटेल में, अगर चाहे ये पैसेज अच्छा था तो, ये पैसेज करवाते तो, ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके से तोड़ तोड़ के करना, छोटी छोटी चीज़ें, माइंड ओपन अप करना, ठीक है, अप्लाई करना अपने माइंड को, रूल्स को, पहले वहाँ पे करोगे तभी पेपर में कर पाओगे ना, बाहर, हाँ हाँ, तो यहाँ पे तो जल्दी, तो टेस्ट में जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन जो प्रैक्टिस टाइम में कह रहा हूँ ना, प्रैक्टिस किस लिए होती है, यही तो होती है, मैथ में तो प्रैक्टिस टाइम में तो कम
ज़्यादा टाइम लगता है, पेपर में जल्दी करना होता है, तो सेम वे है, एक मैथ का क्वेश्चन ही है ये मान लो, ठीक है, प्रैक्टिस। हाँ नहीं हो जाए इतना तो और रिड्यूज हो जाए, भाई द प्रैक्टिस रिड्यूज होंगी चीज़ें, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस डे।